नमस्कार, मैं रितेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बहनों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि पोषण ट्रैकर ऐप पे अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि महीने के एंड तक हमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम जो होते हैं उसको कंप्लीट करने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण काम है वो महीने के एंड तक हमें कर लेने हैं। बेसिकली ये जो काम है वो आप लोगों को हर महीने करने होते हैं, जिससे कि आपको इसकी जो इंसेंटिव राशि है वो दी जाती है। हालांकि इंसेंटिव राशि जो है अभी बहुत लेट से आप लोगों को मिल रही है, आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं वो पोषण ट्रैकर ऐप पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो काम होते हैं वो महीने के एंड तक कौन कौन से काम करने होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये देख लेना है कि हम लोग जो पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग होम विजिट को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे होम विजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सभी आंगनवाड़ी सेविका अपने अपने पोषण ट्रैकर ऐप में जो होम विजिट आप लोगों को पूरे महीने के लिए दी जाती है उसको चेक कर लेना है कि हम लोग को जो टारगेट दिया गया है, जो चीज़ें हम लोग को ड्यू वाले लिस्ट में दिया गया है वो हम लोग कंप्लीट किए हैं या नहीं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ड्यू में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपको कोई भी जो होम विजिट है वो मिस नहीं करना है। अगर आप मिस करते हैं तो आपको यहाँ पर मिस वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा कि आप लोग कितने जो होम विजिट है उसको मिस कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ चेक कर लेनी है और यहाँ पर कंप्लीट में आप लोग क्लिक करेंगे तो जितने भी आप लोग होम विजिट किए होंगे वो सारी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये काम आप लोगों को कर लेनी है और चेक कर लेनी है कि हमने इस महीने जो होम विजिट है वो किया है या नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन में, जहाँ पे हमें ये देखना है कि हर महीने जो इवेंट होते हैं, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में तो दो ही इवेंट आप लोगों को दिया जाता है करने के लिए। तो इसको चेक करना है कि जो इवेंट हम लोग किए हैं उसका जो एंट्री है हमने पोषण ट्रैकर ऐप पे किया है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आपको मोर वाले ऑप्शन में आ जाना है। कहाँ आना है, यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इवेंट वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इवेंट्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको VHSND का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे CBE यानी कम्युनिटी बेस्ड इवेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो VHSND वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों को टीकाकरण की एंट्री करनी होती है। जैसे कि आपके केंद्र पे जिस दिन टीकाकरण होती है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होती है। तो आप लोग चेक करेंगे कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे किस दिन टीकाकरण हुआ है। अगर उसका एंट्री आप लोग नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप लोग उसका एंट्री डेट वाइज डाल के और कितने लोग उस दिन शामिल हुए थे टीकाकरण के दिन, यानी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर कितने लोग पहुँचे थे, आपको बेसिकली वो संख्या आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये एंट्री कर लेनी है VHSND वाली, ठीक है। उसके नेक्स्ट में आप लोगों को यहाँ पे चेक करनी है CBE की एंट्री हमने किया या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड इवेंट आप लोग जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से अगर कंप्लीट हुआ रहेगा तो ये देखने को मिल जाएगा कि इस महीने का जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है वो आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट किया गया या नहीं, ये चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देख लेनी है। अगर नहीं हुआ है तो आप लोगों को महीने के एंड तक कर लेने हैं, ठीक है। पहला जो एंट्री होता है हम लोगों का यहाँ पे गोदभराई दिवस की एंट्री हमें करनी होती है। ये डेट वाइज आप लोगों को अलग अलग डेट में हो सकता है, तो जिस डेट को आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे गोदभराई दिवस की जाती है उस डेट को आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे इनवाइटिंग वुमेन ड्यूरिंग फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ पर पहली एंट्री कर सकते हैं। दूसरी एंट्री जो है यहाँ पर अन्नप्राशन दिवस का होता है, जो हमारे यहाँ पर 19 तारीख को किया जाता है। आपके यहाँ पर किस डेट को किया जाता है उस डेट को सेलेक्ट करके जो इसका एंट्री है वो आप लोग कर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को CBE जो इवेंट होता है वो आप लोगों को यहाँ पे एंट्री चेक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमें चेक करनी है वो हमें चेक करनी है कि जो बच्चों का टीकाकरण होता है जिसमें कि उनका हाइट और वेट मापा जाता है उसकी एंट्री हम लोगों को GMD यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग की एंट्री चेक करनी है कि हम लोग का जो ग्रोथ मॉनिटरिंग की एंट्री है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर क्लिक करके चेक करना है। यहाँ पर आप लोग दिखा देते हैं फिर से, यहाँ पर क्या करना है, डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे होम विजिट, ग्रोथ मॉनिटरिंग जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं होम विजिट हमारा जो है यहाँ पे टोटली कंप्लीट हो चुका है, कोई भी यहाँ पे पेंडिंग या ड्यू में नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग भी आपको चेक करनी है कि जितने बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग हमें करनी है उतने बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग इस महीने हुआ है या नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पेंडिंग में अगर कोई भी ग्रोथ मॉनिटरिंग रहती है तो आपको महीने के एंड तक कंप्लीट कर लेना है। हालाँकि जो ग्रोथ मॉनिटरिंग की
डेट होती है कि कब से कब तक कंप्लीट करनी होती है, तो आप लोगों को बता दें कि महीने के जो प्रथम सप्ताह होते हैं उसमें आप लोगों को जो बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है उसको कंप्लीट कर लेनी होती है। अगर बाय द वे कोई भी ग्रोथ मॉनिटरिंग छूट जाती है तो महीने के एंड से पहले आपको उसको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारा काम आप लोगों को करना होता है, और इस प्रकार से आप लोगों की जो एंट्री है वो महीने के एंड तक सारी एंट्रियाँ हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो एंट्री करते हैं महीने के आखिरी तारीख तक, तो होता है आप लोगों का THR की एंट्री। तो THR की एंट्री भी आप लोगों को करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि महीने के एंड तक आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र पर THR के वितरण हो जाती है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे THR वाला ऑप्शन को ओपन करना है, और जो गर्भवती महिला, धात्री महिला या जो बच्चे होते हैं जिनको हम लोग THR प्रोवाइड कराते हैं उसकी एंट्री भी आप लोगों को यहाँ पे कर लेनी होती है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनको हम लोग THR देते हैं, तो THR की एंट्री भी आप लोगों को महीने के एंड तक कर लेने होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग हर महीने करेंगे तो आपका जो इंसेंटिव है वो आप लोगों का नहीं कटेगा, और इंसेंटिव जो भी बनेगा वो आप लोगों को आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सारी चीज़ें जो है महीने के एंड तक कर लेने होते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं आप लोगों को डेली बेसिस पर करने होते हैं, फोटो कैप्चर करना, बच्चों का अटेंडेंस अपलोड करना और जो रजिस्ट्रेशन करना, ये सारी चीज़ें आप लोग को डेली बेसिस पे करने होते हैं। लेकिन जो महीने के आखिरी तारीख तक करने होते हैं जिसके बारे में हमने आपको आज के इस वीडियो में बताया है, इस प्रकार से आप लोगों को चेक करके सारी एंट्रियाँ कर लेनी है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।